हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल unicstudy.com। एंड टुडे वी आई हैव टू एक्सप्लेन द स्टोरी द इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट। एंड दिस स्टोरी अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट एंड रिटन बाय द HG Wells। एंड इट इज द क्लास 7th। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड नो मोर अबाउट द स्टोरी इन हिंदी। तो उम्मीद है आप लोगों को पिछला वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और उसी के साथ जो है हम आगे स्टोरी को प्रोसीड करते हैं और जानते हैं कि स्टोरी में आगे जो है क्या हैपेंड हुआ, यानी कि क्या घटित हुआ। तो उसी के साथ चलते हैं और हम जानते हैं स्टोरी में जो है स्टोरी हमारी ख़त्म हुई थी। पहले वाला पार्ट जो है बेगिन टू शॉप तक मैंने जो है पढ़ा दिया था, और आगे जो है हम आज स्टोरी को पढ़ेंगे और जानते हैं कि स्टोरी में आखिर में हुआ क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू पुल योर सेल्फ टुगेदर। तुम अपने आप को जो है क्या करोगे, एक साथ खींचोगे। पुल पुश मतलब कि धकेलना होता है, पुल मतलब कि खींचना होता है, ठीक है। तुम अपने आप को एक साथ खींचोगे। आई सेड हिम, मैंने उससे कहा। एंड ट्राई, और कोशिश करते रहो। एंड टू इंकरेज हिम, और उसे क्या किया, उसको इंकरेज किया, यानी कि उसका साहस बढ़ाया। आई बिगिन टू ट्राई एज वेल, मैं जितना अच्छा उसका साहस बढ़ा सका उतना अच्छा साहस बढ़ाया, यानी कि उसकी कोशिश किया। एट लास्ट ही डिड इट, और आखिरी में उसने कर लिया। आई नो, एट लास्ट ही डिड इट, और आखिरी में उसने किया। आई नो मीन्स मुझे पता था, ही सैड मीन्स हुआ कहा। वाट डू यू नो, तुम्हें क्या पता था। आई सैड आई, यानी कि मैंने कहा, जब उसने कहा कि तुम मुझे पता था वो क्या किया। आई नो मुझे पता था, ही रिपीटेड, वो दोबारा ये बात जब बोला तो ये कन्फ्यूज हो गया क्लेटन, ठीक है। कि वाट डू यू नो, तुम्हें क्या पता था। देन ही सैड प्रीवियसली, ठीक है। देन ही सैड प्रीवियसली मीन्स होता है ईजली इन्वाइड, यानी कि तब वो आसानी से जो है क्या किया। देन ही सेड, वो कहा। प्रीवियसली मतलब होता है ईजली इन्वाइड, यानी कि आसानी से जो है नजर अंदाज करना। आई कांट डू इट इफ़ यू लुक एट मी, कि मैं जब तक तुम मुझे देखोगे मैं ये नहीं कर सकता। आई रियली कांट, मैं सचमुच में ना, आई रियली कांट, सचमुच में मैं नहीं कर सकता। आई एम ए नर्वस फेलो, मैं एक जो है शर्मिला व्यक्ति हूँ। वेल्स, ठीक है। वी हैड ए बिट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, और हमारे बीच जो है, यानी कि क्लेटन और घोस्ट के बीच में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि बहस होता है। नेचुरली आई वांटेड टू सी, वैसे वास्ते अगर देखा जाए तो सचमुच में वो जो क्लेटन था उसे देखना चाहता था। बट ही वॉज एन ऑब्स्टिनेट एज म्यूल, ठीक है। लेकिन वो क्या था, अपने बात पे अड़ा रहा, ठीक है। यानी कि वो चाहता था कि मैं उसके गेस्टर को, उसके मूवमेंट को ना देखूं। किसने कहा, क्लेटन ने कहा। और आखिर में उसने क्या कहा, ऑल राइट, ठीक है। आई सेड मीन्स मैंने कहा। आई वुडंट लुक एट यू, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। एंड टर्न टुवर्ड द मिरर, और वो किधर घूम गया, मिरर की तरफ घूम गया। बाय द बेड, यानी कि बेड से होते हुए बेड की तरफ से जो है वो किधर घूम गया, मिरर की तरफ घूम गया, ठीक है। वही कहीं रूम में मिरर पड़ा हुआ था। एंड ही स्टार्टेड ऑफ वेरी फास्ट, और वो काफ़ी तेज़ी से करना शुरू किया, यानी कि वो अपना गेस्टर था, जो मोमेंट था उस गेस्टर मोमेंट को काफ़ी तेज़ी से कर रहा था। राउंड वेंट हिज आर्म्स, अपने हाथों को जो है क्या किया, अपनी भुजाओं को गोल गोल घुमा रहा था। एंड हिज हैंड मीन्स अपने हाथों को, अपनी भुजाओं और हाथों को गोल गोल घुमा रहा था। एंड देन विथ ए रश कम द लास्ट गेस्टर ऑफ ऑल, और आखिरी जो उसने गेस्टर किया, आखिरी जो उसका हवा था हाथ घुमाने का, उसमें से कुछ रश हुआ, ठीक है, कुछ घना सा दिखाई दिया। यू स्टैंड इरेक्ट, ठीक है, तुम सीधे खड़े रहो। एंड ओपन आउट योर आर्म्स, और अपनी हाथों को फैला दो। एंड ही स्टूड, और वह खड़ा हो गया। एंड देन ही डिडंट, और तभी वो जो है क्या था, नहीं किया। आई वेल्ड राउंड फ्रॉम द लुकिंग ग्लास टू हिम, ठीक है। और
तभी मैंने क्या किया, मैं एक चक्कर लगाया, ठीक है, किधर से चक्कर लगाया, लुकिंग ग्लास टू हिम, यानी कि ग्लास की तरफ खड़ा था और ग्लास से जो है घूम करके उसकी तरफ जो है चक्कर लगाते हुए देखा। देयर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था, यानी कि जब उसने एक चक्कर लगा के देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। आई वॉज एलोन, मैं अकेले ही था। वाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है। ही हैड आई बीन ड्रीमिंग, क्या मैं एक ख्वाब देख रहा था, क्या मैं एक सपना देख रहा था। एंड देन, और तभी, द क्लॉक ओपन द लैंडिंग स्टक वन पिंग, ठीक है, और तभी जो क्लॉक था, क्लॉक मतलब कि जो घड़ी होती है दीवार में, जो घड़ी होती है वो क्या करता है कि उसमें जब भी कोई टाइम बजना होता है तो वो एक साउंड निकाल देता है, ठीक है, जैसे 12 बजना है तो वो एक आवाज़ निकलेगा, तो वो पूरी तरह से लोड होती है, उसमें यंत्र लगे होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि वो क्या हो गया, पूरी तरह से लैंडिंग स्टक वन, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है एक पिंग का आवाज़ किया, ठीक। आगे देख लेते हैं, एंड देन यू वेंट टू बेड, और तभी तुम जो है बेड पे चले गए। आग्ड इवान, इवान ने जो है मजाकिया के लहजे से कहे या कुछ भी कहे कि उसने पूछा कि और तुम जो है और तुम कहाँ चले गए, तभी बेड पे चले गए। वाट इल्स वाज देयर टू डू, वहाँ पर क्या हो रहा था। एंड अबाउट दीज मोमेंट, और जो उसने जो मोमेंट किया, ठीक है, यानी कि फोश ने जो मोमेंट किया, अबाउट दीज मोमेंट, उस वो मोमेंट क्या था, क्योंकि मोमेंट मतलब कि उसने कौन सी हरकत की थी। सेट सेडरसन, सेडरसन ने कहा, आई बिलीव आई कुड डू देम नाउ, मुझे लगता है कि मैं वो अभी कर सकता हूँ। ये किसने कहा, क्लेटोन ने कहा। वाई डोंट यू डू देम नाउ, तुम अभी उसे क्यों करते हो, सैड सेडरसन, सेडरसन ने कहा। वाई डोंट यू डू देम नाउ, तुम अभी क्यों नहीं उसे करते हो। ये बात किसने कहा, सेडरसन ने कहा, किससे, क्लेटोन से कहा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे स्टोरी बढ़ती जा रही है और स्टोरी में ट्विस्ट भी आता जा रहा है, और जो फ्रेंड्स है उसके वो स्टोरी को ध्यान से सुन भी रहे थे और लगता है कि अब वो भरोसा भी करने लगे थे। दैट्स वाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है, तब ठीक है, मैं अभी ये करके दिखाता हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ, सैड क्लेटोन, क्लेटोन ने कहा। यू नो, तुम्हें पता है, आई हैड रेदर यू डिडंट, तुम्हें पता है कि आई हैड रेदर यू डिडंट, ठीक है, कि तुम्हारे सामने ऐसा पहले कभी नहीं किया होगा। सैड विश, ठीक है, विश ने कहा। आगे देख लेते हैं, क्लेटोन को वो एड्रेसिंग करता है, ठीक है। सैड आई, ठीक है, मैंने कहा, यू आर ए वेरी गुड लायर, तुम बहुत ही अच्छे क्या हो, लायर हो, लायर मतलब कि झूठे हो, ठीक है। दैट डिसअपीयरेंस हैपेंड टू बी कन्विंसिंग, वो उसकी गायब होने की घटना जो है तुम हमें यकीन दिला रहे हो। अब ये जो है प्लेटोन को जो भी स्टोरी सुनाया था उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो उस चीज़ को वो प्लेटोन से कह रहे हैं कि तुम जो है ऐसा कह लोगे, हम मान लेंगे कि वो गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब तमाम बातें कर रहे थे, ठीक है। क्लेटोन स्टूड अप, और क्लेटोन क्या हो गया, तभी खड़ा हो गया, ठीक है, उनकी बातों को सुनकर क्लेटोन क्या हो गया, खड़ा हो गया। फॉर ए मोमेंट ही रिगार्डेड हिज फीट, ठीक है, कुछ पलों के लिए वो जो है अपने पैरों की तरफ देखता रहा। ही राइज्ड हिज टू हैंड्स, और अपने क्या किया, अपने दोनों हाथों को धीरे से, स्लोली मतलब कि धीरे से ऊपर उठाया। एंड स्माइल एट अस ऑल, और हम सभी पे क्या करने लगा, हंसने लगा। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, देर वॉज जस्ट ए लिटिल हेजिटेशन इन हिज स्माइल, कि उसके चेहरे में जो उसका स्माइल कर रहा था उसमें थोड़ा सा जो है संकोच था, मतलब कि उसे ये जो मूवमेंट करके दिखाने की किस तरह से घोष्ट गायब हुआ था उसमें थोड़ा सा वो संकोच कर रहा था, ठीक है। इफ़ आई बिगिन, यदि मैं शुरू करता हूँ, ही सेड मीन्स वह, उसने कहा, आई वुडंट बिगिन, मुझे नहीं शुरू करना, आई वुडंट नॉट बिगिन, यानी कि मैं तुम्हें ये शुरू नहीं करने दूंगा। सैड विश, विश ने कहा, ठीक है, विश ने कहा कि मैं तुम्हें, यानी कि जब बाकी लोग वहाँ जो खड़े थे, ठीक है, और उन्होंने जब इससे कहा कि तुम जो है
झूठ बोल रहे हो, ऐसा तुम हम लोगों को यकीन दिला रहे हो कि घुस तो वहाँ पर आखिरी मोमेंट करके गायब हो गया। तो उसने जो क्लेटर्न था तो उसने कहा ठीक है, मैं जो है उस गेस्टर को करके दिखा दूंगा, और यदि मेरे साथ कुछ होता है तो तभी जो है क्विश कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं नहीं करने दूंगा इसे, यानी कि शुरू नहीं करने दूंगा। इट इज ऑल राइट, सब ठीक है, सैड इवाट ने कहा। दिस शॉट इज नॉट गोइंग टू स्नैच क्लेटोन इन टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क, यानी कि ये जो शॉट करेगा, ये जो गेस्टर करने वाला है, ये कहीं इसको जो है किसी दूसरी दुनिया में नहीं ले जाएगा। ये किसने कहा? इवान ने जो है विश को समझाते हुए कहा। विश स्टूड अप, विश जो है खड़ा हो गया, एंड पुट हिज आर्म्स ऑन क्लेटोन शोल्डर, और अपने हाथों को जो है क्लेटोन के शोल्डर्स पे, यानी कि कंधों पे रख दिया। यू हैव मेड मी बिलीव, तुम मुझे जो है क्या कर रहे हो, मेड मी बिलीव दैट स्टोरी समहाउ, कि जो घटना हुई थी कैसे हुई, बिलीव मी द स्टोरी समहाउ, एंड आई डोंट वॉन्ट टू सी द थिंग्स डन, ठीक है, एंड आई डोंट वॉन्ट, यानी कि मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ें जो तुम करने वाले हो वो मैं नहीं देखना चाहता। गुडनेस, ठीक है, सैड आई, मैंने कहा। विश इज फ्रैगनेट, विश जो है काफ़ी डर गया था, भयभीत हो गया था। आई एम, मैं भी, सैड विश, ठीक है, विश ने कहा। आई बिलीव दैट इफ ही गोज थ्रू दीज मोशंस ही विल गो, ठीक है, मुझे लगता है अगर ये मोशन करके, ये जो हर मोमेंट है इसे करके वह चला जाएगा, ही विल डू नथिंग ऑफ ऑल शॉर्ट, तो वो कोई भी शॉर्ट नहीं कर पाएगा। आई क्राइड, मीन्स मैं अब चिल्लाया। क्लेटोन स्माइल्ड बैक एट हिम, ठीक है, क्लेटोन दोबारा उस पर मुस्कुराया। विश, और एड्रेसिंग भी किया विश, ही सैड, मीन्स वह बोला, वो विश से बोला कि इज राइट, क्या यह सही है, एंड द अदर्स आर रॉन्ग, और तुम लोग गलत हो, और दूसरे जो है गलत है। आई सेल गो, मैं जाऊँगा, आई सेल गेट टू द एंड, मैं आखिरी तक जाऊँगा, एंड एज द लास्ट स्विश विस्टल थ्रू द एयर, और आखिरी जो है, ठीक है, हवा में आखिरी जो सरसनाने की जो आवाज़ है, ठीक है, वो करूँगा। दिस रूम विल बी वैकेंट, ये कमरा खाली हो जाएगा। यू विल बी अमेज्ड, और सभी लोग जो है अस्तम्भित हो जाएंगे, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एंड यंग जेंटलमैन विल जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, और एक नौजवान व्यक्ति जो है अंधेरी की दुनिया में कूद जाएगा या चला जाएगा। आई एम सर्टेन, मिस, मैं निश्चित हूँ, लेट द थिंग्स बी ट्राइड, आओ जो है इस चीज़ को करके देखते हैं। नो मिस, नहीं, सैड विश ने कहा। एंड स्टॉप्ड, मिस, और रुको। क्लेटोन राइज्ड हिज हैंड, क्लेटोन ने जो है अपने हाथों को एक बार उठाया, ठीक है, एक बार और उठाया, टू रिपीट द घोस्ट मूवमेंट, जो घोस्ट ने मूवमेंट किया था, उस घोस्ट को मूवमेंट करने के लिए उसने एक बार अपने हाथों को फिर से उठाया। बाई दैट टाइम, उसी समय, वी वर ऑल टेंस्ड, हम सभी लोग जो थे टेंस्ड में थे, यानी कि टेंस मतलब कि तनाव में आ गए थे, लार्जली पूरी तरह से जो है तनाव में आ गए थे, बिकॉज ऑफ विश, यानी कि विश की वजह से, कि विश यहाँ पर वो गेस्टर नहीं करने देना चाहता था। क्लेटोन बाउड एंड स्वाइप्ड एंड वेव्ड हिज हैंड, क्लेटोन जो था झुका और ज़्यादा झुका, एंड वेव्ड हिज हैंड, और अपने हाथों को और भुजाओं को जो है हमारे सामने, ठीक है, हमारे पहले क्या किया, वेव्ड किया, लहराया। द लास्ट गेस्टर वाज स्विंग्स द आर्म आउट वाइड ओपन, और जो उसका आखिरी जो गेस्टर था, आखिरी जो मोमेंट था, उसने क्या किया, स्विंग्स द आर्म्स, अपने हाथों को छुलाया, आउट वाइड ओपन, पूरा ओपन खोल के, यानी कि दोनों हाथों को जैसे फैलाया जाता है ना, ठीक वैसे ही उसने अपने दोनों हाथों को हमारे सामने फैला दिया, और वो घोष्ट का आखिरी वाला मोमेंट था वही हमको बताने जा रहा था। विथ द फेस हेल्ड, विथ द फेस हेल्ड, वन मिनट अब, ठीक, अब जो है अपने चेहरे को ऊपर कर लिया, यानी कि दोनों हाथों को फैला करके चेहरे को ऊपर कर लिया, और वो
प्लेटोन यहाँ पर जो है अपने फ्रेंड को विश्वास दिलाना चाह रहा था कि उसने कौन सा मूवमेंट किया और वो वहाँ से गायब हो गया। लेकिन विश ये यहाँ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं प्लेटोन ही जो है दूसरी दुनिया में चला जाए या फिर जो है यहाँ पर लोग जो है दूसरी दुनिया में चले जाए। एंड वेयर एट लास्ट, और अंत में ही स्विंग आउट हिज दिस क्लोजिंग गेस्टर, जो उसने आखिरी जो बचा करके गेस्टर रखा था, जो मूवमेंट हवा रखे थे, आई सीज्ड इवन टू ब्रीथ, हम सभी लोगों ने जो है उसकी उस गेस्टर पे क्या किया, अपनी सांसें रोक ली। इट वॉज रिडिकुलस, ठीक है, ये काफ़ी ही क्या था, बेहुदा था, ऑफकोर्स मीन्स बेशक, बट यू नो दैट, क्या तुम्हें पता है घोस्ट स्टोरी की जो फीलिंग होती है वो क्या है। इट वॉज आफ्टर डिनर, ठीक है, यह डिनर की बात था, इन एन ओल्ड हाउस, इस पुराने घर में, वुड ही आफ्टर ऑल, ठीक है, और ये जो है अब हुआ होगा, ठीक, देयर ही स्टूड फॉर मी मोमेंट, वह हमारे लिए एक पल के लिए क्या था, खड़ा था, ठीक है, वहाँ वह हमारे लिए एक पल के लिए खड़ा था, विथ हिज आर्म्स ओपन, अपने हाथों को फैलाए हुए, एंड हिज फेस ब्राइट, और अपने चेहरे पे चमक लाए हुए, वी वेटेड एज इफ इट वर एन एज, ठीक है, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो जो है अब यहीं पे अभी इसी समय होगा। एंड देन केम फ्रॉम ऑल ऑफ अस समथिंग, ठीक है, और हमारे सामने कुछ न कुछ तो आएगा, यानी कि जो गेस्टर क्लेटोन कर रहा है उसका कुछ तो रिजल्ट आएगा। जो क्लेटोन ने जो है जिस तरह से बताया कि घोस्ट आखिरी मूवमेंट करके गायब हो गया, तो वो आखिरी मूवमेंट यहाँ पर क्लेटोन ने भी किया, अपने सर को जो है ऊपर कर लिया और हाथों को फैला लिया, ठीक है, दैट वॉज हाफ ए साइन ऑफ रिलीफ, और जब इतना कुछ कर लिया उसने, ठीक है, और लोगों को बताने की कोशिश किया कि अब वो जो है दूसरे वर्ल्ड में जाएगा, तो जब वो नहीं गया तो क्या था, हाफ ए साइन ऑफ रिलीफ, जो आधा जो है हम लोग ये सोच लिए, रिलीफ मीन्स आराम की सांस लिए, ठीक है, एंड हाफ ए रिश्योरिंग, ठीक है, और आधा जो अभी पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि कहीं वो गायब हो जाए या ना हो जाए, नो फार विजिबल, ठीक है, नो मतलब नहीं, फार विजिबली, ठीक है, विजिबली मतलब कि दिखाई देने के लिए, ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा पाया था, इट वॉज ऑल नॉनसेंस, ये सारी क्या थी, नॉनसेंस थी, यानी कि मूर्खों वाला काम था, ही हैड टोल्ड ए स्टोरी, वह क्या सुना रहा था, वो एक कहानी सुना रहा था, दैट वॉज ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है, एंड देन, और तभी, अब यहाँ पर जो है क्लेटोन वो लास्ट मोमेंट भी करता है, और जब लास्ट मोमेंट पे वो गायब नहीं होता है या दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाता है, तो लोग वहाँ पर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अभी भी वो सब कन्फर्म नहीं था, लेकिन बाद में भी वो जब लास्ट में भी दिखाई देता है और वो कहीं जाता नहीं है, तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो नॉनसेंस वाला काम है, और ये स्टोरी जो है वो बता रहा था, एक स्टोरी सुना रहा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है, अगर स्टोरी समझ में आई हो, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आई हो, अगर नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हाँ, जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि इस स्टोरी को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस स्टोरी को समझे और जान सके। और हाँ, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन बेल आएगी तो में आल का बटन क्लिक करिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और इसी के साथ जो है इस चैप्टर को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।